हे गाइस वेलकम बैक टू अंदर प्ले सीरीज तो गाइस यार आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं बीटा मार्ट आट्समूलेटर तो गैस बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे यार कि बीटा मार्ट सिमुलेटर खेलो बीटा मार्ट सिमुलेटर खेलो पार्ट थ्री डालो पार्ट थ्री डालो मैंने बोला चलो ठीक है डाल देते हैं यार आपको मैं डालू ना ऐसा तो ही नहीं सकता है यार मैंने डाल दिया और एक बंद ने यार मुझे कमेंट करके नाम बताया एक्सट्रीम शॉप ठीक है तो मैं वही नाम डालूंगा मैं उसका नाम स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगा ठीक है और जितने भी कमेंट आए सब दिखा दूँगा आपको तो पहले तो यार रात हो रही पहले सो जाते हैं क्योंकि यार रात में काम करने मज़ा नहीं आता है ना सो जाते हैं पहले तो हम लोग सो के उठ चुके हैं सुबह के अरे यार ये तो अभी तक तो सुबह नहीं हुई दोबारा सोना पड़ेगा क्या चलो सो जाते क्या करें मतलब एक बार में सुबह नहीं होती क्या सोने में यार ये तो बड़ा गड़बड़ है दो बार दो बार सोना पड़ता है अभी भी नहीं हुई सुबह अब कौन सा मौसम भाई अच्छा बारिश का मौसम चल रहा है क्या एक बार और सो के देखते हैं अभी तो सुबह ही नहीं हो रही है अब हो जाए शायद लग तो रहा है हाँ अब हो ना सुबह अब मजा आएगा यार काम वाम करने में अब देखो मैं गेट के पीछे चले तो हम लोग यहाँ से चलते हैं एकदम फटाक से अपनी गाड़ी लेते हैं और चलते हैं अपनी गाड़ी वाड़ी भी लेंगे यार बड़ी घड़ी है गाड़ी हमारी छोटी सी पिकअप है क्या करें अभी इसी को चलाना पड़ेगा अभी जब तक के लिए इसी काम चलाते हैं इधर से चलते हम लोग अपना और आज हमारा और हमारा टारगेट ये पता है आपको हमारा टारगेट क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान आज खरीदना है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ ना कुछ तो ज़रूर खरीदेंगे वैसे खरीद लेंगे यार पहले ना यहीं से फ्रिश लेते चलेंगे क्योंकि फ्रिज तो है ही हमारे पास उसमें फिश वेश डाल देंगे है ना सही रहेगा वैसे एक्सट्रीम शॉप मुझे नाम रखना है यार नाम तो सही बताया यार बंदे ने उसका नाम मुझे याद नहीं मैं कोई मकौने स्क्रीन पर दिखा दूँ आपको ठीक है आ, नाम तो उसने सही बताया मुझे तो वही रखेंगे आज नाम उसने रिक्वेस्ट करी थी यार कि नाम यही रखना है मेरे यार रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है यार नाम जो तुम बोलो वही तो रखूँगा सब्सक्राइबर की बात नहीं मानेंगे यार तो किसकी मानेंगे बताओ चलो ठीक है हम लोग यहाँ से तो कुछ सामान नहीं लग... अरे यार फिश लेना था ओहो मुझे प्यास भी लगी हुई है क्या चलो ऐसा ऐसा करते हैं कि यहाँ से पानी वानी भी ले लेते हैं अरे यार एक तो पीछे ये 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 देखो पता नहीं कौन सी दुनिया में गाड़ी चलती है यार ये पता नहीं कहाँ से अब यहाँ से पहले एक ले लेते हैं फ़िश वो बड़ा वाला फिश ले, ले लेते हैं ना सलमान फिश नहीं सैलम नाम है ना उसका पता नहीं क्या नाम है रुक जा भाई रुक जा अमेरिका नहीं जाना है मुझे अभी उतर भाई क्या बताऊँ यार गाड़ी अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ वाह बहुत सही चल भी नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ से ही ले लेते हैं सात सौ छत्तीस रुपये का दो डब तीन डब्बा ले लेते हैं ना यहाँ से तीन अरे तीन के चार ले लेते हैं चार लेने वाले भी पैसा अरे पाँच ले, ले लेते हैं यार क्या करें पैसे की कमी थोड़ी है और ये ले, ले लेते हैं एक और मुझे पानी के पीने के लिए भी पैसे रखने के ऐसा ना पूरा उड़ा दूँ मैं तीन एक और ले लूँ एक सौ सत्तावन का तो यहाँ ले लेते ले ले चलो और कुछ ले लूँ लालच तो आ रहा है यार ले लूँ लेते ले हैं ले 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 फोटो अब भरना है इसको सामान गाड़ी में <laughs> लालच करके देखो डब्बा कितना ले लिया मैंने कोई बात नहीं इसको भी जल्दी से रखते हैं हम लोग सारा सामान रख दी बस ये लास्ट डे वो बच्चा है भी रख लेते हैं हम लोग और चलते हैं घर की तरफ नहीं यार घर क्यों कह रहा हूँ शॉप अपने सुपर मार्केट की तरफ निकालते हैं अपनी गाड़ी चलो मैडम हट जाओ सामने से हम लोग जा रहे हैं अपने शॉप पर सामान बेचने आ जाना ख़रीदना ठीक है तो मैंने इसको कह दिया देखते हैं आती है कि नहीं आती यार क्या तो दिया मैंने ये तेरह यार पता नहीं कौन सा टाइम चलता है यार इसमें भी तेरह बारह मुझे ये टाइम सही नहीं लगता ये ट्रेन वाला टाइमिंग होता है शायद वो टाइम से रहता है यार अपना कोई बात नहीं यार हम लोग चलते हैं अपने शॉप की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं हम लोग अब रुक जा यार रुक जा रुक जा भाई रुक जा रुक जा अब उसके ठेले पे ठोकेगा क्या जाके पता नहीं यार क्या इसका ब्रेक है क्या इसका एक्सीट है कोई बात नहीं अब क्या कर सकते तो हैं और कैसे मुझे बताना है कि माइंड की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ठीक है मैं माइंड का मैं आपसे पूछ, पूछ रहा हूँ और बताना यार मैं माइंड की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं मैंने उसका अब यार हैडलाइट चलो ऑफ हो गया पहले हमने जल्दी से पानी वानी पी लेते यार मतलब समझ रहे हो चल भी नहीं पा रहा हूँ मैं हाँ ये ना इसको यहाँ पर रखते हैं एक और निकालो तो क्योंकि मुझे पता है इतना में प्याज नहीं बुझेगी वैसे दो ही पीस है एक अरे यार एक तो एक वाइट फर्श का वैसे दिख भी नहीं रहा है कि मेरे प्याज कितनी लगी हुई है सिक्सटी नाइन तो इसको पीते हैं हाँ तो इसको ले लेते हैं एक पीस और इसको भी ले लेते हैं अब सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन अच्छा यार मैंने एलवेंट्री में रख लिया बताओ तभी कौ पी सर आपके सामने रख के पी रहा हूँ ठीक है वैसे सर मैं ही हूँ यहाँ का कोई बात नहीं पियोगे मैं पी लूँगा आपके सामने ही ये लो पी लिया ये भी पी लिया ख़तम प्याज पूरी खत्म अब खाना खाना चाहिए भैया खाना दे दो जल्दी यार खाना चाहिए मुझे तुम दे दो मुझे दो पीस दे दो खाना एक और दे दो भूख लग रही है और दे दो बस ख़त्म तो तुम लोग गाड़ी पर यहीं पी लिया आते जल्दी से सामान लोड करते हैं ठीक है ये अरे आ गई ये मैंने जिसको बोला था ना आने के लिए आगे ही सामान लेने ले, वो सही है अब ऐसे ही बोलते चलेंगे यार रास्ते पे आ जाओ जाओ, जाओ सामान बिक रहे हैं सामान बिक रहे हैं दस रुपये में ले लो दस रुपये में ऐसे लॉस हो जाएगा यार दस रुपये में बेचेंगे तो अब रुक जा भाई पता नहीं क्या हुआ यार बड़ा गुस्सा आता है मुझे गाड़ी से अब सबसे पहले गाड़ी लेंगे क्या नहीं गाड़ी नहीं ले सकते यार अभी अभी तो बहुत पैसे चाहिए गाड़ी के लिए तीस चालीस हज़ार रुपये चाहिए कम से कम एक नई गाड़ी के लिए एक वो है ना मसल वाली कार वो तेईस हज़ार रुपये की हाँ यहाँ उसको रखे क्या करेंगे वो सामान ही लोड नहीं कर सकते ना पहले ट्रक लेंगे सबसे पहले एक और एक हमारा कंटेंट रहेगा कि पूरा सामान ख़रीद के लाएंगे जितनी भी होगी वहाँ पे भाई लगाने में भी हालत ख़राब हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं आपके लिए तो इतना करना ही पड़ेगा यार आपके लिए इतना नहीं करेंगे तो कितना करेंगे बताओ चलो लास्ट बॉक्स है इसको भी रख लेते हैं और जल्दी से सामान यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं पहले बड़ी वाली मछली रखेंगे ये रही तो देख लो कैसे उन्होंने पूरा मछली लगा दिया एक भरपूर पूरा भर गया एकदम फ्रिज ठीक है तो सबसे पहले मैं जो जिस बंद ने मुझे शॉप का नाम बताया था वो नाम रख लेते हैं पहले आ, पहले शॉप ओपन कर लेते हैं ये ओपन एक्सट्रीम शॉप बताया था ना तो एक्सट्रीम शॉप रख देते हैं पहले ई एक्सट्रीम शॉप ओके ब्रो मैंने शॉप का नाम रख दिया है अब देखते हैं बाहर जाके यहीं पर और बंदे भी आके सामान लेने के लिए चलो वही लड़की आई मैं उसको बोला था देख लो आपका नाम एक्सट्रीम शॉप ठीक मस है मस्त लग रहा है या नहीं बता देना मुझे ये देख लो एक्सट्रीम शॉप चलो अब बता देना मुझे कि मैंने मतलब सही लग रहा है मछली बिकी हो भाई बारह सौ रुपये चलो चल हम लोग पहले ऐसा करते हैं ना इसमें फ्यूल है कि नहीं पहले देख लेते हैं गाड़ी में फ्यूल हाँ फ्यूल तो भी बहुत है इसमें मैं सोच रहा था यार कुछ सामान मैं लिया हूँ भी ये तो मुझे लाने नहीं यार मुझे एकदम पसंद नहीं वो कदम एक शॉप वाला सामान बहुत कम दाम में बिकता है ये फ्रिज वाले सामान रखूँ अब एक फ्रिज और लेके आता हूँ नहीं अभी नहीं पहले सामान बिका तो ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ मैं थोड़ा देर एफ़ के बैठते हैं फिर देखते हैं सामान कितना बिक है तो देख लो यार मैं दो मिनट दो मिनट क्या बैठा मतलब तो पाँच मिनट बैठा मुश्किल से ठीक है देख लो चार हज़ार रुपये हो गए पहले चलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक सामान का कोई रैक वैक जो है ना वो लेके आते हैं पहले हट जाओ सर मधर नहीं जाना है मतलब ठीक है तो सामान मतलब अपना बिकता वैसे शॉप तो मैंने खोल ही दिया है और देख लो यार मैं आपको गाड़ी एक बार फिर से दिखा रहा था तो बहुत मस्त कार है यार मुझे लेनी है बस मतलब समझ लो साठ सत्तर हज़ार रुपये का खर्च आएगा ट्रक और ये लेने में ये रही गाड़ी देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है ये घटिया लग रही है मुझे बट ये नहीं लूँगा मैं देखो साढ़े तीन सौ रुपये का फिश भी बिक गया है छोड़ो अब इसको तो अभी कुछ कर नहीं सकते हम लोग पहले चले सोने के लिए नहीं अभी तो यार बहुत अभी पहले चलते हैं वही डिस्प्ले वाला टेबल ले आते हैं उसमें उसी में तो सामान रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक वाला तो इलेक्ट्रॉनिक सामान तो ले लेंगे अभी तो हाँ और फिश बिक जाए ना वो बड़ा वाला तो तुरंत ले लेंगे हम पहले यहाँ पर फर्नीचर की शॉप है ना वहीं से देखते हैं क्या क्या कौन अच्छी अच्छी फर्नीचर है वहीं पर चलते इसको एकदम इसको पता है मैं ब्रेक नहीं मारूँगा आज ये ऐसे करके यहाँ से इसे छोड़ दूँगा अब गाड़ी पलट गई मेरी बाईस साहब क्या पलटी है गाड़ी अभी आ गया ही चलते रहेंगे गए छोड़ो यार मुझे गुस्सा आता है बट इसको पहले हाँ डिस्प्ले टेबल एक ये वाला ले लेते हैं एक ये ले, ले लेते हैं बस ठीक है अब हम लोग चलते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे वहाँ से सामान ले लेंगे ये रहा इलेक्ट्रॉनिक शॉप यहीं से ब्रेक मारना पड़ेगा अरे रुक 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 रुक, 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 रुक। पुत्री इलेक्ट्रॉनिक पर आ चुके हम लोग ये बंदा वैसे यहाँ क्यों खड़ा भाई क्या हुआ और गया भाई कह रहा भाई क्या हुआ मैं तो कुछ नहीं कर रहा था चलो यहाँ पर देखते ये है सिक्स सेवनटी टू का हम लोग खरीदेंगे तो सेवन हंड्रेड का बिकेगा ये इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है अच्छा दो पीस भी दो पीस है यार सब तो सही है वही मेरे को यार पैसा कमाई नहीं है इसमें तो ये देखो मैंने कह रहा था ये टेबल लगता है ये वाला टेबल लगता है मुझे पता था पहले इसलिए मैंने ले लिया ये कंप्यूटर ये तो लेना बनता है ये तो एक ले लेते हैं माउस नहीं लेंगे अभी एक लैपटॉप नौ सौ रुपये का है सात सौ रुपये ठीक है ये ले लेते हैं ठीक है और एक मॉनिटर भी ले, ले लेते हैं और क्या लें यार हम लोग पहला इलेट्रॉनिक सामान ले ली और ये कैमरा एक कैमरा ले लेते हैं ना व्लॉगिंग करने के लिए काम हम आएगा सही है ठीक है फोन ले लेते हैं यार मतलब पीसी में लगाएंगे हेडफोन तो लेना ही पड़ेगा ना एक हेडफोन ले लिया हमने अब जब ये ले लिया तो कीबोर्ड माउस भी तो लेना ही पड़ेगा ना माउस भी ले ही ले लेते हैं एटला माउस ओ भाई कितना सामान ले लिया हमने और क्या लें एक ये एक और पीस ले ली हाँ एक और ले लेते एक और ले लेता हूँ अरे एक और ले लेता ले हूँ अरे एक और ले लेता हूँ <laughs> पूरा खत्म <है> <laughs> पूरा ले लिया मैंने और उसको सारा सामान लोड करवाते हैं हम लोग गाड़ी का इसमें फ़ायदा है जैसे कि ना इसमें सामान में बहुत सारे आ जाते हैं बस और उसके अलावा और कोई फायदा नहीं इस गाड़ी के बस पिकअप कार है बस यही अच्छी बात है इसकी कुछ भी सामान वामान पीछे रख दो बस बाकी सब तो घटिया छब्बीस सौ रुपये और हो गए मैं ऐसा करूँगा ना एक रैक और ले लूँगा यार सामान बहुत सारा लिया है हमने दो रैक में कहाँ से होगा और एक फ्रिज भी ले लेंगे और इधर से एक फिश भी लेते हुए चलेंगे फिश नहीं यार अभी तो एलेक्ट्रॉनिक सामान रखना है फिश बाद नहीं ले लेंगे अगर देखेंगे पैसा देखो तीन हज़ार पर हो गया ले लेंगे आप क्या ठीक है मैं सामान सारा लोड करवा देता हूँ पहले यहाँ से हम लोग एक फ्रिज और एक वो रैक ले लेते हैं डिस्प्ले डिस्प्ले रेके लेना पड़ेगा ये वाला बड़ा वाला ले लेता हूँ एक ठीक है नहीं चार तो लेना नहीं एक ये फ्रिज ले, ले लेते हैं बस हो गया काम यहाँ से हम लोग एक फिश ले, ले लेते हैं सही रहेगा है ना यार मतलब फिश विश भी ले, ले लेंगे कितना दो या तीन फिश तो आ ही जाएंगे इसमें रू वही रू यार पक गया मैं इस गाड़ी से क्या कहूँ बार बार कहने में भी बेकार लगता है तो ये वाला एक तो दो ले, ले लेते हैं दो दो काफ़ी रहेंगे तीन ले लेते हैं ना तीन दो काफ़ी कहाँ से रहेंगे और इसका प्राइस लो है यार वैसे तीन साढ़े तीन सौ रुपया रहता था अरे ले क्यों नहीं पा रहा अच्छा पैसे ही ख़त्म हो गए भाई मैं कहूँ ले क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं इसको टॉप पर मैं ये बहुत लंबा है तो भाई यहाँ पर आ जा बस अब लग रही है न एक रखवा देता हूँ इसके आगे देख रहा हो पूरा टावर खड़ा कर दिया मैंने गाड़ी के ऊपर लेकिन किसी को क्या पता है इसमें एक फिश रखा हुआ है एक इस साइड वाह मस्त लग रहा है एक और ले लेते हैं ना पूरा सही हो जाता लेकिन क्या करें एक छोटा वाला भी यहाँ पर रखवा देते हैं यहीं पर रखा फिश ऐसा पता चलेगा ना फिश वाला सामान ऊपर रखा हुआ है अब चलते हैं हम लोग शॉप में पूरा सामान बिक गया पता अब कुछ बिक ही नहीं रहा अभी मैसेज भी आ गया था कि कैंसिलिंग परचेज कस्टमर ठीक है मुझे बताना मैंडी क्राफ्ट स्टार्ट करना नहीं चाहिए कॉमेंट जरूर बताना मुझे तो ये पहले अपना एफिल ट उतार लेते हैं टावर को यहाँ पर रखो पहले ये रहा पहले मैं ऐसा कर तो रैक लगा लेता हूँ यार बोल सही रहेगा ना इसको हटाओ पहले घटिया सा अब मैं यहाँ से पहले अपना रैक निकालता हूँ जो मैं ख़रीद के लाया था मैं डर गया यार मैं वो रैक क्यों नहीं दिख रहा स्टील रैक तो पहले बेच दो घटिया सा एक फ्रिज है फ्रिज को हम लोग इसी टाइप से ऐसे लगा देते हैं ना पूरा में ऐसे लगेगा मतलब एक बहुत बड़ा फ्रिज है ऐसे करके थोड़ा सा आगे आगे के बस ठीक है अब सही है चार मतलब दो फ्रिज हो गए देखने में चार लग रहा है कोई बात नहीं इसको अब हम लोग बड़ा वाला डिस्प्ले निकालते हैं इसको कोई सेंटर पे लगा दें यार क्योंकि ये साइड में लगाने वाला नहीं है अब सेंटर पे कहाँ पे लगाऊँ ऐसे लगाऊँगा तो वो गेट ढक जाएगा यार कहाँ पे लगाऊँ यहाँ पे लगा दूँ हाँ वैसे सही तो है ऐसे कस्टमर आएंगे जाएंगे एक और है ना अरे यार मैं सोच रहा हूँ रैक कहाँ चलेगी जबकि इन्वेंट्री में मेरे और दूसरा टेबल ना इसी के एकदम सटाक लगा देता हूँ मुझे सही रहेगा देखो ये वाला टेबल जो है ना और आपको नया अगर डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो मुझे बता देना कैसे कैसे लगाते हैं ठीक है ये देखो मैं मैं सोच रहा हूँ ऐसे करके थोड़ा इस टाइप से ऐसे लगा दूँ ये थोड़ा सा बस जॉइंट हो जाए ना इसके साथ सही रहेगा हल्का हल्का हल, बस देखो सही लग रहा है ना और यहाँ पे मैं वो वाला टेबल लगा दूँगा ये ब्लैक डिस्प्ले टेबल इस साइड को ये थोड़ा ऐसे देख रहे सही रहेगा अरे ये चिपका नहीं कोई बात नहीं चिपका का लगाइए मैंने सही रहेगा एक और लगा देंगे यहाँ पे अभी तो एक ही पीस है अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान पहले लगाते हैं फिश 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 पहले लगा ले पहले फ़िश ही लगा दो यार वो ज़्यादा आसान है ना जल्दी से फिश लगा लेते पहले देखो यार फ्रिज कितने सेवा मतलब हँसी आ रही मुझे देखे अभी जब एक फ्रिज था तो इतना सारा सामान हो गया अब दो फ्रिज है तो सामान कम हो रहा है कोई बात नहीं अभी इसको भी लेके आएंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा लगा दो तो देख रो कितना सारा सामान है पूरा फुल हो जाएगा सारा सामान मैं लगा देता हूँ जल्दी से उसके बाद आपको नहीं नहीं पहले एक दो सामान आपको दिखाई देता हूँ लगा के ठीक है मतलब तो कैसा थोड़ा सेटअप होगा एक कंप्यूटर ले लेते हैं मैं एक पता है एक टेबल पर ना पूरा कंप्यूटर सेटअप कर दूंगा जैसे ये वाला टेबल है ना इसे पूरा कंप्यूटर सेटअप कर देंगे ये वाले पे ये वाले पे अरे यार मैंने हटा क्यों दिया कोई बात नहीं लगा देते हैं इसको भी ये अब लाइन सही लगेगा मुझे पता है ना थोड़ा 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 इधर से हो रहा है ये 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 बस सही हो गया तो मैं देखो ये हमारा मैं आपको लगा के पूरा दिखाता हूँ ठीक है जरा अब मैंने पूरा सामान सब अच्छे से सेट कर दिया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो ये देख लो मैंने पूरा पीछे सेटअप ये कर दिया देखो सही लग रहा है ना ये देखो ये कैमरा के लिए कैमरा सेटअप ऊपर जो होता है मॉनिटर के ये हेडफोन ये माउस ये कीबोर्ड ये मॉनिटर ये सी ये चार पाँच सी पी यू लाए थे मतलब ये देखो चार सी पी दो माउस कीबोर्ड ठीक है ये तीन हेडफोन एक कैमरा एक मोनीटर दो लैपटॉप सही है ना और ये देख लो फिश फिस काम में कोई बात नहीं हम लोग शॉप खोलते हैं अब बिक्री जो स्टार्ट होगी भाई सब मजे आ जाएंगे अब हम शॉप खोल देते हैं यहाँ से अरे यार यहाँ से खोलते हैं ना सॉरी तो मैं ऐसा करता हूँ यार इसमें अपग्रेडिंग कुछ है ये खोलेंगे अभी एक ना एक तो खोलना पड़ेगा न्यूज़पेपर स्टैंड खोल लेते हैं ये देखो सेकेंड फ्लोर हम लोग अगले एपिसोड में बाई करेंगे नहीं यार नहीं यार अगले एपिसोड में क्यों बाई करेंगे अभी तो मतलब नीचे वाला फ्लो पूरा भरा ही नहीं है ना ये अगले अपने ये तीनों अपग्रेड कर लेंगे जो है ना बारह सौ पंद्रह सौ दो हज़ार वेंडिंग मशीन न्यूज़पेपर स्टैंड आइसक्रीम मशीन ये तीनों चीज़ खोल लेंगे देखो हमारा पहला कस्टमर आ चुकी है ये देखो हमारा शॉप का सर्टिफिकेट है शायद हाँ सर्टिफिकेट है ये सूजरत इजीन मैम्बुका बीटा मार्ट तेला दिन दिनिया तकन बीटा मार्ट दी बुका बीटा मार्ट मतलब यार लैंग्वेज देख रही इंडोनेशियन गेम इसलिए अब हम लोग और क्या सामान लाना था मुझे यार मुझे याद नहीं आ रहा नहीं और कुछ नहीं लाना था वो लैपटॉप बिक गया और हमारा सात सौ रुपये का भाई मैं तो अभी अभी अपग्रेड कर सकता हूँ तुरंत लेकिन यार सामान सारा बिकने नहीं देना तभी तो मजा आएंगे और देखो हमारा फिश बिक चुका है साढ़े तीन सौ डॉलर का अब हम लोग ऐसा करते हैं ना देख के आते यार और कुछ सामान माना तो लेके आते फ़िश और लेके आता हूँ ठीक है फ़िश और लेके आएंगे उसके बाद देखते हैं और क्या क्या और और कुछ सामान होगा भी लेके आएंगे हमारा फिश भी बिक गया ग्यारह सौ रुपये का भाई मज़े आ गए हम लोग ने वो बड़ा वाला फिश यार बहुत सही वही लेके आऊँगा सिर्फ देखो मॉनिटर भी बिक गया आठ सौ रुपये का मॉनिटर एल सी टी मोनीटर यहीं से लेंगे पहले फ़िश ले लेते हैं जो पैसा बचेगा फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लेंगे मैं पैसा नहीं बचने दूंगा यहाँ से सारा सामान खरीद लूँगा यहीं से एक खरीद लिया दो खरीद लिया तीन खरीद लिया चार खरीद लिया अब ये खरीद लिया ये खरीद लिया ये ओ जीरो पैसा भाई एक रुपया भी नहीं बचा पाँच सौ और आ गया यार पाँच सौ रख के क्या करेंगे अरे मैं इधर कैसे आ गया अरे भाई अटक गया क्या मैं शिट नहीं नहीं नहीं, नहीं यार कैसे अटक गया मैं ये पाँच सौ चौदह के ले लेते हैं ठीक है ये भी मस्त है एक और ले लेते हैं यार क्या करें एक और ले लेते हैं यार पता नहीं कैसे अटक गया था मैं वहाँ पर देखो यार ग्यारह सौ रुपये और आ गया अब लाला चाह रहा है मुझे एक और ले, ले लेंगे आप पहले ये सब सामान लोड करवा देते हैं ये तो बहुत सारा सामान हो जाएगा ना तो फिर मन नहीं करेगा लोड कराने का सारा मैंने मतलब सामान लोड करा दिया बस एक डब्बा बचा बहुत और जितने पैसे आएँ उसका ना मैं ये खरीद अब यार पैसे तो कुछ ज़्यादा आ गए एक दो खरीद लेता हूँ ये ठीक है और दो खरीद लेता हूँ ये ये भी मस्त बिकता है यार देखो साढ़े चार सौ रुपये बिकता है तीन खरीद लेता है ना एक और आ सकता है नहीं अब साढ़े तीन सौ रुपये बचा है चार सौ रुपये का चिकन है अब पाँच पीस होते हैं डेढ़ सौ रुपये बिक ये भी ले लेते हैं ना दो पीस यार मैं कुछ ज्यादा ही ले रहा हूँ मैं फ्रिज में आएगा नहीं इतना इतना मैं लेके जा रहा हूँ ना वो तो फ्रिज है यार पता नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा कोई बात नहीं आ पाएगा तो एक और फ्रिज ले, ले लेंगे पैसे की कमी थोड़ी है ना एक और फ्रिज ले, ले लेंगे अब सारा सामान लोड करने में वहाँ पर थोड़ा लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि यार सामान बहुत सारा है ये सिर्फ फ्रिज का सामान है समझ रहे हो कमाई अब होगी भाई साहब अब तो हजारों में खेलेंगे हजारों में वैसे खेलेंगे लाखों में खेलेंगे अब लाखों में लाखों में चलो गाड़ी में बैठो स्टार्ट करो गाड़ी अब निकलो अपने शॉप की तरफ और सामान लोड करो हजार रुपए और हो गए अरे छोड़ो यार आप बार बार आएंगे थोड़ी खर्च करेंगे अब तो यार अगर हम सेकंड फ्लोर खरीदे तो भाई सब दोनों फ्लोर ऐसा भर देंगे ना एकदम चकाचक पूरी शॉप भर जाएगी उसके बाद जो बिक्री होगी मिलियन में कमाएंगे हम लोग पैसा मिलियन में वो टाइम अभी आने में थोड़ा टाइम है अभी बाकी है अभी वो देख लो यार आठ हज़ार रुपये के मारे पास मैंने पूरा इन्वेंट्री अपना फुल कर लिया मतलब फुल तो नहीं किया मैंने मतलब सारा सा, मतलब खाने के जितना भी सामान था ना मतलब खाने पीने वाला सारा सामान ले लिया मैंने पहले तो यार शॉप बंद करते हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गया मतलब एक मिनट आपको दिखाता हूँ ये देखो मैंने शॉप बंद किया अब देखना सामान भाई कुछ भी नहीं बचा सब कुछ बिक गया देखो कुछ भी दिख रहा है तुम्हें कुछ से कुछ भी नहीं क्या पता नहीं क्या हुआ गेम क्रैश हो गया तो कोई बात नहीं हम घर से स्पॉन तो ऐसा करते आए गए तो सो जाते हैं ना सही रहेगा तो पहले स्लीप कर लेते जल्दी से देखते सुबह होगी ना मुझे लगता है दो बार सोना पड़ेगा तभी होगी सुबह हाँ एक और सो जाते हैं जल्दी 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 दूसरी बार में भी नहीं होगा नहीं हुआ एक और बार सोना पड़ेगा यार ये पता नहीं कौन सा चक्कर है तीन बार सोना पड़ता है सुबह कैरेक्टर भी कहता हुआ यार कितना सोला हो गया सो तो लिया अब क्या करें सुबह हो तभी तो जाएंगे अब गाड़ी निकालते हैं हम लोग वैसे भी यार मैंने कुछ सामान में थोड़ा बहुत ही लगाया तो था ज़्यादा कुछ लगाया नहीं था पता नहीं क्या हो यार क्रैश हो गया अपने आप अप। यार हम लोग आ तो गए यार अब मुझे यहीं से ब्रेक मारना पड़ेगा तभी जाके ब्रेक लगेगी तो यार मैं आप शॉप तो आप शॉप पे तो आ गया सामान सारा लगा के आपको दिखाता हूँ फिर ठीक है पूरा फ्रिज सरिया अब देखो आप मतलब तो पूरा, पूरा फ्रिज में लगा दिया सारा सामान जितने भी सामान तो सब कुछ भर दिया देखो कितना मस्त लग रहा है यार देखो यहाँ से पूरा फ्रिज यहाँ से बीफ फ्रिज उसके बाद यहाँ से छोटे वाले फ्रिज वो देखो मैंने पूरा सामान सारा सामान सेट कर दिया मेरे फ्रिज में ये देख लो कितना मस्त लग रहा है यहाँ से चिकन यहाँ से फिश यहाँ से बीफ रिप्स ये भी बीफ फ्रिज ये बड़ा वाला फिश अब शॉप में अगर खोल दिया ना तो बस बिगरी बिगड़ी तो तो आज इस वाली वीडियो में इतनी अगली वाली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो अगली वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ना इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी है ना सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान ले आएंगे और फिर भी सारा सामान लाकर रखेंगे मतलब ऐसा कर देंगे कि नीचे वाला फ्लोर पूरा फुल हो जाए और अपग्रेड भी कर देंगे जो वेंडिंग मशीन वो सब था ना वो सब अपग्रेड करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तो कैसा अगर मेरी वीडियो पसंद सुना तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ मुझे जरूर बताने कि माइंड की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय